हेलो बच्चों, दिस इज आनंद एंड वेलकम टू नेट क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो तो बहुत अच्छी होती है। बट होता क्या है, एक्चुअली जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के टाइम आपका होता क्या कि जो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तैयारी अच्छी होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो गलती क्या करते हैं एक्चुअली, तो देखते हैं वो गलती क्या करते हैं। एक्चुअली जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके पता चला आप बहुत जल्दी जल्दी में आप गोले भरने लगते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा और जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ते चलते हैं, तो उसमें ये चेक नहीं करते कि उसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है कि नहीं पूछा है। आप क्वेश्चन पूछा होता कि इसके बारे में नहीं बताना, इसमें से कौन सा गलत है, आप समझ लेते कि ये सही है तो वो आंसर लगा के चले जाते हैं आपका। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए आपको आराम एग्जाम पेपर में आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आपको आराम आराम से क्वेश्चन आपको पढ़ना है आपको, ठीक है, और सही आंसर देना आपको, ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम होता है आपका, ठीक है। हर क्वेश्चन को अगर आप एक मिनट भी देंगे तो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप जो क्वेश्चन में क्या करते हैं, गोले भरने के लिए, आपके गोले भरने के लिए क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि पहले मैं सारा सॉल्व कर लूं उसके बाद एक साथ सब गोले भर दूंगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप जितना भी जो आपको बिल्कुल करेक्ट पता है कि ये बिल्कुल सही है तो उसके गोले आप साथ में भरते जाइए। एक्चुअली जब आप एक साथ बैठते हैं गोले भरने के लिए तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपके जो गोले हैं जो उसमें क्या हो सकते हैं, वो इनकरेक्ट हो सकते हैं, गलत भर सकते हैं आपका, ठीक। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं आपका, ठीक है। और तीसरी मिस्टेक ये होती है आपकी कि आप जो कठिन पोर्शन होता है, जो कठिन वाला पोर्शन होता है वो आप पहले उठा लेते हैं आपका, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले आपको जिसमें जो भी एक्सपर्ट हो, जो भी, जैसे कि मान लो आप बायोलॉजी हैं तो बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, मान लीजिए आप फिजिक्स हैं तो फिजिक्स में, अगर आती है केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में, वैसे तो बायोलॉजी सबसे पहले उठाइए जो सबसे सरल है और आसानी से आ जाता है, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स सॉल्व कीजिए, जिसमें क्या होगा कि आपको इजिली, आपको जब एक बार आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो क्या करेंगे आप जल्दी आपका जो आपका क्वेश्चन आपके अच्छे से अच्छा माइंड अच्छा वर्क करेगा, क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा सही करेक्ट होंगे आपका, ठीक है। तो गाइस ये तीनों टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा आपको। इसके अलावा आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए क्या करना है कि आप जब घर पे सॉल्व करें कि आप 3 घंटे में कितना सॉल्व कर पाए, तो क्या कीजिए आप एक लास्ट के लिए आपको क्वेश्चन पेपर उठाइए, तीनों जो फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड बायो तीनों आपका, ठीक, उनमें टाइम सेट कीजिए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इस तरह से फिर वहां पे आप क्वेश्चन पेपर देने जाइए आपका, ठीक है। तो गाइस ये फॉलो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बातों का फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही आपका।